प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 27 गांव की जमीन को 4 लेन का विस्तारीकरण कर 6 लेन बनाए जाने से पहले मुआवजा प्रकरण को लेकर कौशाम्बी जिले में सैकड़ों किसान सड़क पर उतर प्रदर्शन की राह पर हैं। इससे पहले चिलचिलाती धूप में लगभग 15 किलोमीटर पैदल यात्रा कर किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि मुआवजा निर्धारण में दोहरा मापदंड बरता गया तो किसान 6 लेन सड़क का निर्माण नहीं होने देंगे। इसी मांग के साथ आज कौशाम्बी के किसानों ने कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर इलाहाबाद प्रीतम नगर आवास पर घिराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन सांसद को सौंपा और सांसद ने किसानों को आश्वासन दिया और उचित किसानों के हित में कदम उठाने की बात कही। किसानों द्वारा 4-5 बातें कही गई हैं। एक रेट को लेके कही गई है, एक नाप को लेके कही गई है और एक आध विषय और है। मैं इनकी सारी बातों को सुन लिया हूँ। कल हम लोग इस मामले में जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे कि इनका कैसे क्या विषय है। विषय क्लियर होने जाने के बाद निश्चित रूप से जो सरकार इस देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, अनुशोषित को समर्पित हो, ऐसी सरकार किसानों के साथ साथ अन्याय नहीं करेगी, ये हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। और कल के बाद हम लोग बात करेंगे और किसानों को उनका उचित मूल्य मिले इसका पूरा प्रयास नहीं, पूरी जिम्मेदारी एक सांसद के नाते है वो किया जाएगा। कौशाम्बी जिले से गुजरने वाली 4 लेन लगभग 33 किलोमीटर लंबा है। इसके दोनों तरफ सैकड़ों किसानों व व्यापारियों की कृषि, आवासीय व व्यवसायिक भूमि है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 4 लेन को 6 लेन में परिवर्तित करने का जो गजट प्रकाशित किया था उसमें सर्किल रेट से 4 गुना अधिक व ब्याज देने की बात कही गई थी। इसके तहत जिले के दर्जन भर गांव के तमाम किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। इस बीच NHI ने भूमि का मुआवजा सर्किल रेट 5500 रुपये वर्ग मीटर को कम कर महज 600 रुपये वर्ग मीटर कर दिया। नेशनल हाईवे 2 किनारे रहने वाले किसानों को नोटिस पहुंची तब उन्हें जानकारी हुई। इस बात को लेकर किसान व्यापारी कई जिले के अधिकारियों से मिलकर मुआवजा दर एक समान करने की मांग किया, लेकिन इनकी मांगों पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। इसी बात से खफा किसानों ने इलाहाबाद में कौशाम्बी के सांसद के आवास पर विनोद सोनकर का घेराव कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और वहीं सांसद ने किसानों को आश्वासन देते हुए सही कदम उठाने का आश्वासन दिया। कि हमारे यहाँ लगभग 24 गांव आ रहे हैं जो 4 लेन को 6 लेन किया जा रहा है। 24 गांव की ज़मीनें जा रही हैं उसमें जो मुआवजा की नोटिस आ रही है उसमें बहुत कम रेट से मुआवजा दिया जा रहा है। हम लोगों की डिमांड है कि जो आज का सर्किल रेट है उसके कम से कम 4 गुना का मुआवजा मिलना चाहिए। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम चाहे जान दे दें लेकिन अपनी ज़मीन नहीं जाने देंगे।